अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारे पास, कि व्हेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू आ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, यानी इनक्लोजिंग अ चार्ज में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। आज फार्मूला हम डिस्कस करेंगे, फार्मूला ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कंसीडर अ क्लोज सरफेस इन अ फॉर्म ऑफ स्फीयर, स्फीयर की सूरत में रेडियस आर है, तो एक चार्ज पड़ा है उसके सेंटर में, उसके सेंटर में एक चार्ज पड़ा है। मैं अगर यहाँ पर दिखाना चाहूँ, ये हमारे पास सरफेस है, यहाँ पर कोई चार्ज पड़ा है, तो हमारे पास चार्ज पड़ा है। कह रहा है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल सरफेस ऑफ एरिया, डिवाइड दिस क्लोज सरफेस इनटू एन नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट, यानी पूरी सरफेस को हम एन नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, विच आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया ऑफ ईच एलिमेंट इन दिस वे। एन इफ़ एन इज़ वेरी लार्ज देन ईच एलिमेंट जो होगा हमारे पास वुड बी अ फ्लैट एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू एरिया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस सिमत में होगा और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया भी उस सिमत में होगा। तो लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज एट द सेंटर ऑफ वेक्टर एरिया A1, A2, A3 अप टू सो ऑन एन तक हैं, और इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा या इंटेंसिटी E डिनोट करेगी E1, E2, E3 अप टू सो ऑन। फ्लक्स के लिए फार्मूला हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, थीटा इक्वल टू या फाई इक्वल टू EA, तो EA यानी कि फॉर वन हमारे पास एरिया और फॉर वन E1 के लिए E1 डेल्टा A1 cos थीटा। E एंड A आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन देन थीटा इक्वल टू जीरो, यानी सेम डायरेक्शन में हमारे पास सामने फिगर में दिखाया गया है, तो जब एंगल जो है ज़ीरो होगा तब हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम आएगा। तो फ्लक्स वन इक्वल टू E1 थीटा वन मैक्सिमम, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज सेम फॉर ईच एलिमेंट बिकॉज दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। ये हमारे पास सेंटर ऑफ स्फीयर से इक्वी डिस्टेंस पर है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम फ्लक्स आया है। तो इसी तरह हमारे पास E1 फ्लक्स जो है मैक्सिमम आएगा, E2, E3 अप टू सो ऑन, तमाम फ्लक्सेस जो आएंगे हम 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, किसी भी पैच के लिए हम निकालना चाहें तो हमारे पास सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, क्योंकि हमारे पास सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमने ड्राइव किया था 1/4πε0 Q ओवर आर स्क्वेयर, ये हमारे पास था, हमने इसको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, आप चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं मेरा लास्ट लेक्चर जो है, जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक जो है कॉलब के कानून था, जो कॉलब्स लॉ के ज़रिए हम वहाँ से हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था। टोटल फ्लक्स हम निकालना चाहें तो साई वन, साई टू, साई थ्री, अप टू सो वन, साई नाइन, तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें सबकी, तो कॉस जीरो जो है वन के इक्वल है, तो हमारे पास तमाम तर एरियाज़ को हम ऐड कर देंगे, और ई जो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है, हम जैसे कि हमने कहा ये कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो ये टोटल एरिया ऑफ स्फीयर हमारे पास ऐड अप हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा टोटल एरिया। अब हम जानते हैं टोटल एरिया किसके इक्वल होता है, 4πr² के, यानी कि जो हमारे पास टोटल सर्कल जो स्फीयर का एरिया होता है, टोटल एरिया हमारे पास किसके इक्वल होता है, 4πr² के। हम r² से r² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, क्यू 4π से 4πr² 4πr² Q/εr बच जाएगा, Q/εr। ये हमारे पास क्या आ गया, प्रूव आ गया कि जो हमने निकालना था कि इंडिपेंडेंट ऑफ स्फीयर ऑफ द शेप ऑफ द स्फीयर, कोई भी चार्ज जो पड़ा है उस पर उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इंडिपेंडेंट होता है शेप ऑफ सरफेस के ऊपर। नाउ कंसीडर अ क्लोज सरफेस एस इनक्लोजिंग द सेम स्फीयर विद अ चार्ज एट इट्स सेंटर, यानी ये हमारे पास एक और स्फीयर है, यहाँ के ऊपर कोई क्लोज सरफेस चार्ज पड़ा हुआ है, तो क्या होगा हमारे पास, थ्रू द क्लोज सर्फेस द सेम एज दैट थ्रू द स्फीयर, दस फ्लक्स अ क्लोज सर्फेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द स्फीयर, दस फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सर्फेस डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द क्लोज सर्फेस, इज ओनली डिपेंड अपॉन द मीडियम एंड चार्ज इन क्लोज, यानी जो चार्ज इन क्लोज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और वो मीडियम पर डिपेंड कर रहा है बस, उसके अलावा किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा कि कौन सी सरफेस पर पड़ा हुआ है, कौन से एरिए पर पड़ा हुआ है। ये था हमारे पास जो हमने प्रूव करना था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज भी कर सकते हो, जो जौन सी मर्जी सफेयर में आ जाए, आपको ये पता होगा क्योंकि जो है चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ऑफ चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फ्लोड, यानी कि या इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस एरिया,
कि किसी भी सरफेस पर पड़ा होगा वो उसके ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं शो करेगा, जस्ट डिपेंड अपॉन इट्स चार्ज एंड एप्सिलॉन आर जो हमारे पास जो है मीडियम पर डिपेंड करेगा। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचती रहें।